नमस्कार, सोमारे न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मानसी राठौर। महू के मानपुर थाने में पदस्थ एएसआई धनसी पटेल को डीआईजी ने बर्खास्त कर दिया। डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने बताया कि जवान के खिलाफ वसूली की शिकायतें मिली थी जो जांच में सही पाई गई है, जिसके चलते एएसआई को बर्खास्त किया गया है। जानकारी के अनुसार एएसआई धनसिंह पटेल मानपुर थाना में पदस्थ है, लेकिन विगत एक वर्ष पूर्व वह बड़गोंदा थाना में पदस्थ था। इसी दौरान उसने कई लोगों से वसूली की, जिसकी शिकायत एक फरियादी ने डीआईजी से की थी। सबूत के साथ शिकायत मिलने पर डीआईजी ने एएसआई को बर्खास्त कर दिया। वहीं डीआईजी अब बर्खास्तगी की कार्यवाही कर रहे हैं। डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने बताया कि एएसआई पटेल को लेकर कई तरह की वसूली की शिकायत मिल रही थी। एडिशनल एसपी महू द्वारा उनकी जांच कराई गई, साथ ही थाने में शिकायत दर्ज करवा चुके कुछ पीड़ितों ने भी आरोप लगाए थे कि एएसआई पटेल द्वारा जांच में रुपए लेकर आरोपियों को बाहर करता था। एक फरियादी ने रिकॉर्डिंग सहित सबूत पेश किया था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। डीआईजी ने पूरे स्टाफ को निर्देशित किया है कि आम पीड़ितों के साथ दुर्व्यवहार करने और रिश्वतखोरी करने के मामले को वे अब गंभीरता से लेंगे। पुलिस किसी भी तरीके के भ्रष्टाचार और अनियमितता को लेकर के जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। पूरी तरह सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। इस बारे में पिछले साल एक शिकायत मिली थी, जिसमें एक 26,000 रुपये के रिश्वत की बात आई थी, उसमें संबंधित बड़गोदा थाने के एएसआई के द्वारा। बाद में जब इसकी जांच की गई और एडिशनल एसपी से जांच कराई गई, तो पूरा मामला सही पाया गया, उसमें पर्याप्त प्रमाण पाए गए। इसके बाद इस पूरे मामले में कल कड़ी कार्रवाई करते हुए उसमें संबंधित दोषी अधिकारी को उसमें बर्खास्त किया गया है, और इस तरह के जो भी मामले हैं उनमें सख्ती से कार्रवाई आगे भी की जाएगी।